इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे ज्यादा आने वाला मरीज जो तादाद के हिसाब से है हमारे पास, वो दर्दों का होता है, जोड़ों के दर्द। इसलिए इसकी सोजिश को आर्थराइटिस कहते हैं, और आर्थराइटिस की जो टाइप्स हैं वो 100 से भी अबव है। लेकिन कॉमनली जो हमारे यहाँ ज्यादा पैथोलॉजिकल और मारूफ जो है वो 3 है, जिसको इसके डेफिनेशन के बाद वक्त की खिलत की वजह से अद्वियात के ऊपर आऊंगा। आर्थराइटिस कहते हैं जोड़ों की सोजिश को। आइटस जहां भी लिखा जाएगा उसका मतलब होगा इंफ्लेमेशन। इससे पहले मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं, थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन करना चाहता हूं कि इंफ्लेमेशन क्या है, क्योंकि ये कई जगहों पर मेरी डेफिनेशन आप लोगों के काम आएगी। इन्फ्लेमेशन असल में आपकी सेल या टिश्यू की इंजरी के खिलाफ जो जिस्म का रद्द अमल होता है, जिस्म जो रिएक्ट करता है और उससे जो सूरत हाल बनती है उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। सेल इंजरी के खिलाफ, आप सेल इंजरी से मुराद वो केमिकल इंजरी भी हो सकती है, वो किसी जरासीम की वजह से हो सकती है, किसी इसके अलावा एनवायरमेंटल हो सकती है, कोई चोट से हो सकती है, कई फैक्टर्स हैं। तो उसमें अगर आपके सेल या टिश्यू के अंदर कोई इंजरी होती है, हमारा मुदाफियाती निज़ाम उसके खिलाफ रद्द अमल देता है, और जो रद्द अमल देता है और जो उससे सूरत हाल बनती है उसको हम इंफ्लेमेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथियों पर अगर कोई चोट लगती है, कट लगता है, तो सबसे पहले यहाँ से जो रिसेप्टर्स हैं हमारे ब्रेन को मैसेज देते हैं कि यहाँ पर चोट लग गई है, लिहाजा यहाँ तक जितना भी हमारा क्योर सिस्टम है वो एक्टिव हो और वहाँ पर जाकर अपनी सर्विसेज दे। वहाँ सबसे पहले चूंकि जो हमारे जितने भी इस जख्म को या इस इंजरी को हील करने वाली जो चीज़ें हैं वो सारी ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होती हैं, तो इसलिए जो ब्लड की स्पीड है, जो रश है, वो उस चीज की तरफ, उस जख्म की तरफ, उस इंजरी की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, जिससे पहली सिम्टम जो पैदा होती है रश ऑफ ब्लड की वजह से, वो लाजमी बात है अगर एक फास्ट कैपेसिटी इतनी है तो रश ऑफ ब्लड से वो कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो उससे सूजन पैदा हो जाएगी। सूजन पैदा होने से हमारी जो नर्व वहां पर गुजर रही होती है उसके ऊपर प्रेशर पड़ने से पेन पैदा होता है, जिस तरह फोड़े में पेन पैदा होता है दबाव की वजह से। तीसरी चीज, हमारे तमाम जो सेल्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनका खास टेम्परेचर होता है, जब वहाँ इनका रश होता है तो वहाँ पर टेम्परेचर भी रेज होता है कम टाइम की, उससे वहाँ सिम्टम पैदा होती है जिसको हम कहते हैं हीट। वहाँ पर जो सोजिश वाला हिस्सा है वो बाकी किस्म के हिस्से की नस्बत गर्म भी होता है। इसी तरीके से वो ऑर्गन जो डैमेज होगा वो फंक्शन भी सही अपना सर अंजाम नहीं देता। तो ये बेसिकली एक नॉर्मल किस्म की इसके सिम्टम है इन्फ्लेमेशन के हवाले से। तो ये जोड़ों की सूजन का मतलब ये है, आर्थराइटिस का मतलब ये है कि जहाँ भी जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स के जो पार्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल मोटे मोटे हम डीप एनाटॉमी में नहीं जाएंगे, उसमें जॉइंट का लफ्ज़ बता रहा है कि जॉइंट उसको कहते हैं जहाँ दो हड्डियाँ आपस में आपसी मिलती हैं। अब उसके अंदर आपकी फिर आगे टाइप्स आ जाती हैं, जब मूवेबल है या इमूवेबल है। इमूवेबल को स्विचर कहते हैं, जैसे हमारे सर की हड्डियाँ हैं इनके जॉइंट्स भी हैं लेकिन ये मूव नहीं करते। इस तरीके से बाकी जो हमारे जॉइंट्स हैं ये मूव करते हैं। जब मूव करते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो यहाँ से फ्लेक्सीबल हो, जो रगड़ ना खाए। तो इसलिए अल्लाह ताला ने दो जॉइंट्स के बिल्कुल किनारों के ऊपर कार्टिलेज की एक मुलायम तह लगाई होती है। ठीक है, फिर लाजिम बात है जहाँ दो चीज़ें आपस में रगड़ खाएंगी तो वहाँ पर रगड़ के जरिए डैमेजेस के चांसेस हैं। तो वहाँ फिर अल्लाह ताला ने एक इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए, रगड़ को कम करने के लिए साइनोवल मेम्ब्रेन पैदा की हैं, जो साइनोवल फ्लूइड बनाती हैं जो जॉइंट्स को रगड़ से बचाती हैं। तो मोटी मोटी चीज़ अगर आप जॉइंट्स के लिए देखेंगे तो आपको एक तो कार्टिलेज मिलेगी, दूसरा अगर जॉइंट को बांधा ना जाए तो वो अलग हो जाएगा, तो उसको बांधने के लिए लाइगामेंट्स होते हैं। तीसरी चीज़ उसकी
जो फ्रिक्शन को कम करने के लिए साइनोवल मेम्ब्रेन होती हैं जो फ्लूइड बनाती हैं, तो ये इन चारों चीज़ों की ही सोजिश होती है जब गैट का मसला होता है, ठीक है। तो कॉमनली मिसाल के तौर पर साइनोवल मेम्ब्रेन की सोजिश को साइनोवाइटिस कहते हैं, दर्द जो होगा वो जोड़ों में ही होगा, मरीज अगर बताएगा जोड़ों में दर्द है। इसी तरीके से कार्टिलेज की इंफ्लेमेशन में या डीजनरेशन में अगर दर्द होता है तो लाजमी बात है दर्द भी जोड़ों के अंदर होगा। इसी तरीके से लाइगामेंट में या टेंडन्स के अंदर अगर वहाँ इंफ्लेमेशन हो जाती है, कोई खिंचाव पड़ जाता है, तो दर्द फिर भी जोड़ों में ही होगा। तो इसके इनमें फ़र्क होगा, वो फ़र्क आप बगैर टेस्ट के सिम्टम से पता चला सकते हैं अगर आप थोड़ी सी पैथोलॉजी को जानते हैं। अब इसकी मेजरली मैं तीन टाइप यहाँ पर डिस्कस करूँगा। एक तो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियो नाम से जाहिर है हड्डियों को कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी ये ऐसी जोड़ों की सोजिश है जिसके अंदर डीजनरेशन शुरू हो जाती है, यानी जो कार्टिलेज है ये फुरना शुरू हो जाएगा, जॉइंट जहाँ मूव करता है वहाँ फुरना शुरू हो जाएगा, जब फुरेगा तो रगड़ खाएगा, ठीक है ना, जब शुरू होगा तब से जॉइंट जब खुरदरा होगा तो लाजिम बात है जब मूव करेगा तो रगड़ खाएगा, रगड़ खाने से पेन होगा, यानी मरीज की हर हरकत तकलीफ दे होगी, ठीक है। और उसके साथ दूसरी बाकी जो दो आम टाइप्स हैं जिसको एक तो गाउट कहते हैं और दूसरी है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। रिमेटॉइड आर्थराइटिस भी इन्फ्लेमेशन है जोड़ों की और जो गाउट है ये भी सोजिश है जोड़ों की, दोनों में फर्क कास के हवाले से, यानी गाउट के अंदर यूरिक एसिड काज बनता है जोड़ों की सोजिश का, जबकि रिमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर आपका ऑटोइम्यून डिजीज है, या ऑटोइम्यून डिजीज है यानी आपका अपना मुदाफियाती निज़ाम आपके जोड़ों को खाने लग जाता है या उनके अंदर इंफ्लेमेशन पैदा करता है, ठीक है। तो बहरहाल ये मुख्तसर सी डेफिनेशन, इसके इस बात के ऊपर हम नहीं जाते। इलाज के हवाले से हमारे पास सबसे ज़्यादा केसेस ये आते हैं और अगर आप इन पर थोड़ी सी तवज्जो दे लें केस टेकिंग के ऊपर, अलामात को तसल्ली के साथ दें, ये मरीज थोड़े ट्रीटमेंट करता है दर्दों के हवाले से 60-80% क्लियर सिम्टम होती हैं, 30-40% जो लोग हैं जोड़ों के हवाले से वो आपको अलामात ऐसी देंगे कि आप मुख्तलिफ दवाओं के अंदर हो सकता है कि डाउटफुल हो जाए। लेकिन सबसे पहली चीज़ इसमें यही है कि आप क्लियर स्थिति लें, बार बार दवाओं को बदलना नहीं है, पहली दफा ही आप सोच के स्थिति लें ग्रैंड के मरीज, क्योंकि मैं पहले भी पिछली बार भी जुमला दोहराया था, इस दफा भी दोहराया और आइंदा भी जब भी पुराने डिजीज की बारी है कि मैं जुमला दोहराता रहूंगा। हानिम ने कहा है कि तेरी ना अमराज यानी मुजमिन अमराज के इलाज की पहली शर्त को यही है कि जब तक मरीज को देर बाद इलाज मुहैया नहीं किया जाता तो ठीक नहीं होगा। आप जितनी मर्जी जल्दबाजी करें, आप सोचें कि नहीं इसको इतनी जल्दी मैं कर दूंगा और इतना ठीक होना चाहिए, क्रॉनिक सवाल पैदा नहीं होता ठीक हो रहा है। क्रॉनिक अमराज में जहाँ आपकी पैथोलॉजी चेंज हो जाती है, अमराज के ठीक होने के लिए आपको टाइम चाहिए, पहली चीज टाइम दरकार। दूसरी चीज उसकी केस टेकिंग के ऊपर आते हैं, सबसे ज्यादा अलामत जो जेंट्स के हवाले से हमें मिलती है वो मूवमेंट से बेहतरी की है। मरीज आकर कहेगा डॉक्टर जोड़ों में दर्द है, अब उसे कितने अच्छे से है, 1-2 साल से होकर 15-20-30 साल तक मरीज आपको बताएगा इतने साल। आप अगला सवाल करेंगे कि ज्यादा काम होता है, मरीज क्या करते हो 24 घंटे रहता है, ठीक है ना, वो इसलिए भी तो आपको इसकी सही मोडेलिटी नहीं बताएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इसकी ये मोडेलिटी किस तरफ जा रही है। जिस तरह मैंने बताया ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर मरीज मूव करता है हरकत से ज्यादा होती है उसकी जगह, लेकिन उसके अलावा ये साइनोवाइटिस में या रिमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर या गाउट के अंदर यहाँ मूवमेंट से बेहतर होती है उसकी अलावा तकरीबन कम अज कम 90-95% मरीज जो आपके पास आएंगे अगर आप थोड़ा सा जायजा लेंगे उनकी अलावा हरकत से बेहतर होती है। आपने एक सवाल करना है और वो सवाल ये होना चाहिए, आपने ये पुनः चलते फिरते रहते हुए कितना होता है, आराम करते हुए कितना होता है, मरीज आपको इसमें उलझा दे, आपने सुबह का सवाल करना, जब सुबह उठते हैं कितना दर्द होता है। ये सवाल इसलिए कि मरीज सारी रात रेस्ट करने के बाद क्लियर हो जाता है जो ग्राइमिया का दर्द होता है, सुबह बिल्कुल आराम किया होता है, रेस्ट रेस्ट ऑफ
रोटा और जो दूसरे डायरेक्शन के जितने भी दर्द हैं ये भी क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त सुबह के वक्त मरीज बिल्कुल शदीद अकड़ाव की आदत में होता है, क्योंकि रात व्यस्त में तो मरीज अगर कहते हैं सुबह के वक्त दर्द ज्यादा होता है, फिर आप पूछते हैं कि दो चार कदम उठाते हैं चलते हैं बेहतर हो जाता है, नहीं कहता बेहतर हो जाता है, ठीक है। यहाँ अगर मरीज आपको कहता है कि सुबह के वक्त ज्यादा होता है, ये सवालों का इंतखाब भी कई सैकड़ों देशों के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सवाल का इंतखाब है आपका डायरेक्ट जोड़ों के दर्द में पूछना चाहिए कितने अर्से से है दर्द होते हैं, उसके बाद पूछें सुबह को दर्द कितना होता है, मरीज अगर आपको बताएगा कि सुबह ज्यादा, दूसरा सवाल आपका बनता है कि दो चार कदम चलते हैं फिरते हैं, इस सवाल को मैं मरीज से बोलता हूँ तीन चार बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि क्लियर चाहिए मरीज से, मरीज अगर बता रहा है कि जैसे चलता फिरता हूँ बेहतर हो जाता हूँ, आगे हमारे पास दो डायरेक्शन, एक दर्द ऐसे होंगे जो मरीज के ठंडक में पड़ेंगे और कुछ दर्द ऐसे हैं जो गर्मी में पड़ेंगे, हरकत से बेहतरी के दर्द, कुछ ऐसे दर्द हैं जो मरीज सर्दियों में ठंडक में पंखे की हवा नहीं बर्दाश्त कर सकेगा, ठंडक बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मैं आपको शॉर्ट की दवाई बताऊंगा, मैं दवाओं का गुजरे नहीं बचाने लगा आपको, ठीक है ना, गिनती की चंद जिस तरह मैंने सर दर्द में बताई, तो यहाँ आपके पास पहली दवा रस्टॉक, दूसरी दवा कैप्सिकम, तीसरी दवा रोटा, चौथी दवा पल्साडी, हरकत से बेहतरी, मरीज कहते हैं गर्मी में दर्द ज्यादा होते हैं, आपके पास पल्साडीला टॉप की रेमेडी, पल्साडीला टॉप की रेमेडी है, मूवमेंट से बेहतर हो जाता है गर्मी में ज्यादा होता है, आप इसके लिए लेंगे अक्सर खातन में इसकी मिलेगी मर्दों से ज्यादा, दूसरा मरीज कहता है ठंडक में ज्यादा होते हैं, ठंडक में ज्यादा होते कैप्सिकम रस्टॉक्स और रोटा, अब रस्टॉक्स के दर्द हरकत से बेहतर होते हैं, कैप्सिकम के दर्द भी हरकत से बेहतर होते हैं, तो बस इन दोनों का मरीज मुश्किल से होता है अकड़ा हुआ होता है, चलता फिरता है तो कुछ बेहतर हो जाता है, दोनों का दोनों में जो बुनियादी फर्क है एक तो उसकी खिंचाव का है, रस्टॉक्स में अकड़ाव पाया जाता है, कैप्सिकम में खिंचाव पाया जाता है, यानी ये मेरा ज्वाइंट है ना, और जब मरीज आता है कहते हैं डॉक्टर साहब यहाँ दर्द है दस साल से, हम कहते हैं दर्द बेहतर हो जाता है, कहते सुबह बहुत ज्यादा होता है फिर वर्किंग करता हूँ बेहतर हो जाता है, कितना बेहतर होता है बाजू फिर भी ऊपर नहीं होता, बाजू मूव करता है लेकिन रहता है, हाँ मूवमेंट के बाद यूं टेढ़े हैं थोड़ा मूवमेंट से कुछ बेहतर हो जाता है, लेकिन है डी शेप खिंचाव पड़ा हुआ है, अपनी नॉर्मल वर्किंग में ज्वाइंट नहीं आता, इसको खिंचाव कहेंगे, ये कैप्सिकम का हादसा है, और इसके साथ अगर मरीज कहता है कि सुबह अकड़ा हुआ होता है मूवमेंट नहीं होती लेकिन जैसे मैं वर्किंग में आता हूँ पूरा ज्वाइंट अपने वर्किंग में आ जाता है, तो ये रस्ता होता है पहला फर्क, दूसरा रात का पूछेंगे मरीज की रात कैसे गुजरती है, अगर मरीज कहे कि नींद आ जाती है तो भी कैप्सिकम में कैप्सिकम बेचैनी होती है लेकिन रस्ता होते ऐसे नहीं, लेकिन अगर मरीज कहता है कि दर्दों की वजह से नहीं आंख खुलती रहती है सोता रहता हूँ जागता रहता हूँ दर्दों की वजह से दर्द और बेचैनी तो ये रस्ता आपको खासा है, किसी दूसरी दवा में आपको इसकी प्रॉब्लम का नहीं मिलेगा। तीसरी दवा रूटा, अगर आपको यही अलामत स्पेसिफिक दो ज्वाइंट्स में मिलती हैं, एक कलाई में और एक टखने में, एक कलाई में और टखने में, और तीसरी अलामत मरीज कहते हैं मैं सीधा लेटा रहता हूं तो ठीक रहता हूं, कैप्सिकम भी सीधा ज्यादा देर नहीं लेट सकेगा, रस्टॉक्स वैसे नहीं लेट सकता बेचैनी की वजह से सर कोई पोजीशन नहीं बदलता, लेकिन रूटा रहेगा तो एक पोजीशन में लेटा रहेगा तो रिलीफ रहेगा सीधा लेट नहीं, ये इतनी बड़ी अलामत है इसकी कि कमर दर्द से पुराने की वजह से अक्सर आप देखते हैं एल्बो पाइव में डिजनरेशन के मसले होते हैं, रूटा खिलाए उसको कई महीने रिजीड हो जाते हैं, अगर मरीज की अलामत है कि सीधा लेटने से पाका होता है, बल्कि कांची राम ने तो यहां तक लिखा है कि अगर गुर्दे की पथरी का दर्द है और मरीज को सीधा लेटने से पाका होता है तो आप उसमें भी रूटा दें, इसी तरीके से केवल मुझे पाथर याद नहीं उसमें तो कैंसर में भी लिखा था हड्डियों के कैंसर में अगर सीधा लेटने से अलामत है तो उसकी दवा भी रूटा, तो इस तरीके से ये इनके अंदर फर्क है, कैप्सिकम में एक तो खिंचाओ और श्वास में अकड़ाओ और रूटा की मैंने आपको वजाहत कर दी है,
और तीसरी दवा जो आप चौथी दवा के बाद जो हरकत से बेहतर होती है, उसमें गर्मी में ज्यादा, जबकि इन तीनों दवाओं में ठंड से ज्यादा होती है। रस्ता से मरीज ठंड बर्दाश्त नहीं करता, ठंड में दर्द ज्यादा हो गया, प्लास्टिकम का मरीज ठंड में ज्यादा होगा, और इसी तरीके से रोटा का मरीज भी ठंड में ज्यादा होगा। एक और दवा जो गैस के वाले से मरीज कहते हैं जोड़ों में दर्द है, आराम करता हूं तो रिलीफ मिलता है, चलता हूं तो ज्यादा है, चलता हूं तो ज्यादा है, लेकिन टकराने से डरता है। या दूसरा सवाल अगर आप मरीज से पूछेंगे कि अगर दबाया जाए तो दबाने से जॉइंट्स के दर्द को ज्यादा होती है, छूने नहीं देता। अभी डॉक्टर साहब ने डिस्कस किया आर्मी का बहुत बड़ी दवा, और ये अलामत आप इसके अप्रोच बड़ी है, ठीक है ना, कहीं भी दे सकते हैं। मेरी वालदा को डीबीटी का मसला हुआ लास्ट ईयर, तो एक्सपेंसिव डीबीटी थी, इधर बड़ी गेंदें जो टांग के पास है दोनों ब्लॉक हो गई, नीचे सारी गेंद जो थी वो ब्लॉक हो गई, टांगे काफी टूट गई, दर्दों की शिद्दत इतनी थी कि आया है कुछ दिन एमरजेंसी में, लेकिन उनके एक हफ्ता रहने के बाद उन्होंने उसको घर भेज दिया, सर्जन के पास रेफर किया, सर्जन ने भी कहा कि इसमें सर्जरी हो सकती है और दवाएं अगर देते रहें ठीक हो जाए वरना कोई चांस नहीं है। तो बहरहाल होम्योपैथिक हमने शुरू किया, उसमें यही दवा आर्निका रही, अश्वमेधा और आर्निका। अलहमदुल्ला अभी तकरीबन कोई 4-5 माह हो गए हैं, तो बहुत अब चलती फिरती भी हैं, टांगे फोड़ करके नाच पड़ लेते हैं। लास्ट मेडिसिन के डॉक्टर थे काले यादव, मैं जब उनसे बात हुई केस के वाले थे, तो उनसे जब डिस्कस किया तो बड़े आराम हो रहे थे कि ये केस कैसे इतनी जल्दी रिकवर हो गया। तो ये आर्निका की वजह से, आर्निका इसी तरीके से एक डॉक्टर जिस तरह डिस्कस कर रहे थे आर्निका हेड इंजरी के हवाले से, कुछ एक साल से मरीज जो है नीम कमोटी के अंदर था, पहचान नहीं सकता था, इसकी बहुत बड़ी अलामत है। मरीज को बुलाया जाता है तो बात करते हैं, उसके बाद दोबारा वनूर्ती में चला जाता है, तो ये इसकी बड़ी अलामत है, यही अलामत थी उसकी। वनूर्ती में रहता था मरीज, एक साल से पड़ा हुआ था बैठ, अलहमदुल्ला इस वक्त वर्किंग में है, 6-7 महीने उसका इलाज किया था, और पहली बार कमाई जो लगातार करी वो आदमी का। तो जॉइंट्स के अंदर भी कि मरीज डरता है कि कहीं चोट ना लग जाए, दुखन वाला दर्द हरकत से ज्यादा होता है। इसी तरीके से हरकत से ज्यादा की दो और टॉपिक जो है, एक आप जानते हैं ब्रायोनिया, ब्रायोनिया में सोजन भी साथ होती है, और दूसरी कालचीना। मरीज अगर कहता है कि मैं चलता फिरता हूं तो दर्द ज्यादा होता है, चलता फिरता हूं तो दर्द ज्यादा होता है, आराम से लेटा रहा तो दर्द कम रहता है, लेकिन थोड़ी सी भी हरकत से ज्यादा होता है। आर्मिका में लेटे रहने से आराम, चलने से ज्यादा, ब्रायोनिया में हर मूवमेंट पर ज्यादा होता है जॉइंट, एवं के